हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर पीछे देख रहे हो मेरे साथ फ्लावरहॉर्न के साथ प्लीको भी है। बहुत जन को डाउट है फ्लावरहॉर्न के साथ प्लीको रहता है या नहीं, तो ये वाला वीडियो आप लोग का सभी डाउट क्लियर कर देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, फ्लावरहॉर्न के साथ प्लीको फिश रह सकता है या नहीं। नंबर 2, क्या एडवांटेज है आप लोग फ्लावरहॉर्न के साथ अगर प्लीको फिश रखेंगे। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग के मतलब एक्वेरियम पे फ्लावरहॉर्न के साथ प्लीको फिश रखना चाहते हैं तो आप लोग को क्या क्या चीज मेंटेन करना पड़ेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा, तब आप लोग बहुत इजी और सिंपल तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि फ्लावरहॉर्न बहुत ही एग्रेसिव फिश होता है, और अगर आप लोग कोई भी फिश रखते हैं तो उसके साथ मारधोड़ करता ही है। तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्लावरहॉर्न का साइज, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कितना साइज है। और यहाँ पर जो प्लीको मैं दिया हूँ ये एकदम उसके मुंह के साइज से भी छोटा है। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई अगर प्लीको फिश आप लोग के फ्लावरहॉर्न के साथ रखेंगे तो वो एकदम निगल जाएगा, तो भाई एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट मैं बताया था वीडियो पे 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड किया हूँ। नंबर 1 पार्ट्स है अगर आप लोग फ्लावरहॉर्न के साथ प्लीको फिश रख सकते हैं या नहीं, तो उसका आंसर है ऑब्वियसली येस। बट आप लोग को कुछ चीज़ जानना है, कुछ चीज़ सीखना है, उसके बाद आप लोग प्लीको फिश फ्लावरहॉर्न के साथ रख सकते हैं। आपका फ्लावरहॉर्न जितना भी एग्रेसिव हो उसके बाद भी आप लोग रख सकते हैं। तो क्या चीज़ आप लोग को फर्स्ट जरूरत है अगर आप लोग फ्लावरहॉर्न फिश के साथ प्लीको फिश रखना चाहते हैं, तो आप लोग को फर्स्ट थिंग जो ज़रूरत है, एक्वेरियम पे 2 प्लीको फिश रखना है, एक प्लीको फिश नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप लोग 2 प्लीको फिश रखेंगे तो फ्लावरहॉर्न डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक रखोगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होने का चांसेस मैटर करेगा, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आप लोग को 2 प्लीको फिश खरीदना है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक नॉर्मल प्लीको है और एक सनशाइन प्लीको है। तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मल मार्केट में जाके आप लोग खरीद सकते हैं, ज़्यादा प्राइस आप लोग को नहीं पड़ेगा। तो आप लोग 2 प्लीको फिश फर्स्ट ऑफ ऑल खरीद लेना। सेकेंड चीज, आप लोग के जो एक्वेरियम है, जो टैंक सेटअप है, वहाँ पर आप लोग को हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखना है, जहाँ पर अगर आप लोग फ्लावरहॉर्न फिश अगर बहुत ही एग्रेसिव है उसके बाद अगर आप लोग के मतलब प्लीको फिश को अटैक वगैरह भी करते हैं तो भाई आप लोग के फ्लावरहॉर्न अटैक करने के बाद प्लीको फिश हाइड हो जाता है हाइडिंग प्लेस में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गौतम बुद्ध का एक मैं शोपीस रखा हूँ मेरे एक्वेरियम के अंदर, तो उसके पीछे जाके प्लीको फिश हाइड हो जाता है अगर कभी भी मेरे फ्लावरहॉर्न फिश अटैक करता है तब। यहाँ पर मैं इस वीडियो पे आप लोग को एग्जांपल भी दिखा दूंगा फ्लावरहॉर्न फिश अटैक करने के बाद प्लीको फिश क्या करता है। और आप लोग का अभी सेकंड पॉइंट आ रहा है, आप लोग फ्लावरहॉर्न फिश के साथ प्लीको फिश क्यों रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला चीज़। अगर आप लोग फ्लावरहॉर्न फिश रखते हैं और आप लोग फर्स्ट टाइम फ्लावरहॉर्न फिश रख रहे हैं, आप लोग को पता नहीं होगा भाई, फ्लावरहॉर्न फिश बहुत ही एक्वेरियम को गंदा करता है। क्योंकि फ्लावरहॉर्न फिश बहुत होल डे में खाता है और पॉप आउट करता है, उसके बाद आप लोग के एक्वेरियम के नीचे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा मतलब एकदम भर जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो पे। तो भाई अगर आप लोग प्लीको फिश रखेंगे आप लोग के एक्वेरियम टैंक पे, आप लोग का टैंक एकदम सफाई कर देगा। ये चीज़ आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। आप लोग जब तक नहीं रखेंगे आप लोग को तब तक समझ में नहीं आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो में आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा दूंगा कैसे यहाँ पर जो भी नीचे जो भी पॉप आउट या जो भी अनवांटेड फूड्स है कैसे यहाँ पर प्लीको फिश खा लेता है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोग को लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही वाइटल है, अगर आप लोग प्लीको फिश रख रहे हैं आप लोग के फ्लावरहॉर्न फिश के साथ, तो उसके बाद आप लोग अगर फ्लावरहॉर्न फिश के साथ रख रहे हैं तो आप लोग को क्या चीज़ ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हाइडिंग प्लेस ज़रूरत है। सेकंड, आप लोग को 2 प्लीको फिश रखना है। थर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एक्वेरियम पे फ्लावरहॉर्न फिश के साथ प्लीको फिश रख रहे हैं तो जो हाइडिंग प्लेस आप लोग दे रहे हैं वो हाइडिंग प्लेस अच्छा खासा होना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं है कि जहाँ पर हाइड होने के बाद प्लीको फिश सेफ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्लीको फिश आप मतलब फ्लावरहॉर्न फिश के साथ जो खाना दिया हूँ वो खा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो सनशाइन है उसको मेरा फ्लावरहॉर्न फिश अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए अटैक किया, झटक से फ्लावरहॉर्न फिश अटैक करने के बाद सनशाइन हाइड हो गया जो वहाँ पर
साइड में जो हाइडिंग प्लेस दिया हुआ है। इस चीज के लिए मैं आप लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था, आप लोग को ये तीन चीज फॉलो करना है, उसके बाद आप लोग बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से आप लोग के एक्वेरियम पे प्लीको के साथ फ्लावर एंड फिश रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो टैंक है एकदम फुल्ली क्लीन कर दिया है दोनों पीको फिश। तो भाई आप लोग जरूर अगर फ्लावर एंड फिश रखते हैं आप लोग के एक्वेरियम पे, मैं रिकमेंड करूंगा दो पीको फिश जरूर रखना, आप लोग के एक्वेरियम का सेटअप को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन रखता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।